तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज अगर आप जो है इंस्टाग्राम के अंदर अगर कोई जो है प्रोफाइल है, कोई जो है अकाउंट है, अगर गाइज वो प्राइवेट है, और गाइज इंस्टाग्राम के अंदर किसी भी प्राइवेट अकाउंट का कोई भी अगर प्रोफाइल पिक्चर है, जैसे कि गाइज अपने जो है हम इंस्टाग्राम के अंदर चलते हैं, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ पर गाइज एक जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि अकाउंट जो है ये प्राइवेट है। और गाइज इस प्राइवेट अकाउंट का जो है कि गाइज अगर आपके मोबाइल में भी ऐसा कोई जो है प्राइवेट अकाउंट है, और गाइज उस प्राइवेट अकाउंट का जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो डीपी है, आप जो है उसको फुल साइज में देखना चाहते हो या फिर अपने गैलरी में आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो गाइज ये आप किस तरीके से कर सकते हो, आगे जो है हम आपको इसके बारे में कुछ बताएं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज इंस्टाग्राम के अंदर जो है किसी भी प्राइवेट जो है कि प्रोफाइल पिक्चर को आप किस तरीके से डाउनलोड करके अपने गैलरी के अंदर भेज सकते हो, तो ये करने के लिए आप क्या करना होगा गाइज, जिस भी जो है अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर को जो है आपको डाउनलोड करना होगा, उसको जो है अपने सामने इस तरीके से जो है जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो, मोबाइल की स्क्रीन पर जो है गाइज आपको कर लेना है। और इस तरीके से कर लेने के बाद आपको जो है ऊपर साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो गाइज इसी में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कॉपी प्रोफाइल यूआरएल। आपको जो है कॉपी प्रोफाइल यूआरएल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइज इतना करने के बाद आपको जो है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है। इतना सब कुछ करने के बाद गाइज हर एक मोबाइलों में होता है क्रोम ब्राउज़र, तो गाइज आपको जो है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। क्रोम ब्राउज़र को इस तरीके से गाइज ओपन कर देने के बाद जब इस तरीके का डेस्कटॉप मोबाइल के अंदर खुल जाए, तो गाइज आपको जो है सर्च बॉक्स के अंदर अपने चले जाना है। सर्च बॉक्स के अंदर गाइज अपने चले जाओगे जब आप, तो आपको ऐसा करना है जो लिंक आपने जो है कॉपी किया रहा होगा वो लिंक आपको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इस तरीके से पेस्ट कर देने के बाद आपको जो है इसको इस तरीके से सर्च कर देना है। इसे सर्च कर देने के बाद गाइज थोड़ी जो है कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर जो है वो प्रोफाइल पिक्चर जो है आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो गाइज वो जो उस अकाउंट का जो वो भी डेस्कटॉप होगा वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। गाइज उस अकाउंट का जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको जो है उसी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जो है आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरीके से आप उस प्रोफाइल के ऊपर जो है लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसी में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है डाउनलोड इमेज का, आपको डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज क्लिक कर देना है। और जब गाइज आप इतना कर दोगे, तो गाइज अब जो है इतना करने के बाद अगर आप अपने गैलरी के अंदर गाइज इस तरीके से चलते हो, तो आपको गाइज वो जो अकाउंट का जो प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ पर आप गाइज देख सकते हो हमने इस तरीके से डाउनलोड कर लिया है। और इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद गाइज आप इसको जो है इसी तरीके से अपने गैलरी के अंदर आप भेज सकते हो। आप कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम के किसी भी जो है प्राइवेट अकाउंट के किसी भी प्रोफाइल पिक्चर को आप जो है इसी तरीके से डाउनलोड करके अपने गैलरी के गाइज अंदर ला सकते हो। सो यू भी गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी सुनना जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे।